जैसे आपको पता है कि 2:21 पे हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली कि आग की वारदात हुई है। 9:22 पे ही हमने मल्टीपल फायर टेंडर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन प्रेस किए इनटू सर्विस। जब हम स्पॉट पे आए तो यहाँ पे शमसवारी जो खान का एरिया है वहाँ पे हमने देखा कि मस्जिद शरीफ जो है वो इन्वॉल्व था फायर में, और यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज थी, पुलिस था, लोकल्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से विद इन हाफ एन आवर हमने फायर पे कंट्रोल किया और फॉर्चुनेटली अभी तक मतलब देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअल्टी। जो नुकसान है उसका असेसमेंट होगा वंस द कूलिंग ऑपरेशन इज डन। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इसके साथ में जो डबल स्टोरी स्ट्रक्चर जहाँ पे बताया जा रहा है कि इमाम साहब वहाँ पे रिजाइड कर रहे थे, तो उसमें आग नमूदार हुई है और एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण जो है इसने जो मस्जिद शरीफ है उसको अपनी लपेट में लिया। तो अगर आप देखेंगे कि मस्जिद शरीफ का एटिक पोर्शन जो है उसमें सीवियर डैमेज हुआ है, बाकी माइनर डैमेज है, लेकिन फायर फाइटर्स के ट्रेमेंडस एफर्ट से ही जो है वी आर एबल टू सेव प्लेंटी ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी। 10:11 पे ही फायर को कंट्रोल किया था, उसके बाद हमारा कूलिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जो अभी लगभग मुझे लगता है 10-15 मिनट और चलेगा। बाकी फायर इज टोटल अंडर कंट्रोल, सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल।